19 मई यानी मंडे को सलमान खान को दो और गवाहों ने कोर्ट में पहचान लिया। इनमें से एक है उस बार का वेटर जिसमें पार्टी करके सलमान खान वापस लौट रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। बार का नाम बताया गया रेन बार, जिसके वेटर वासु मोलो ने जज साहब को बताया कि हादसे वाली रात सलमान खान उस बार में आए थे। सलमान के साथ सिंगर कमाल खान भी थे। उसने ये भी बताया कि इन लोगों ने शराब का ऑर्डर भी किया, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि सलमान और कमाल खान ने शराब पी थी या नहीं। इसके बाद बारी आई एक पुलिस कांस्टेबल की, जिसका नाम बालू लक्ष्मण मूथे है। बालू ने कोर्ट को बताया कि जिस रात को हादसा हुआ उस रात को वो सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की सिक्योरिटी में शामिल थे। वो सुहेल खान के साथ उसी रेनबार होटल में भी गया था जहां सलमान खान पर शराब पीने का आरोप है। सलमान का सरकारी सुरक्षा गार्ड रविंद्र पाटिल और सुहेल का सुरक्षा गार्ड रेनबार होटल में अंदर तो नहीं गए, लेकिन बालू सुहेल खान के साथ घर लौट आए। सुहेल खान के साथ फैशन डिजाइनर विक्रम फडणीस भी सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट लौट आए। रात को किसी ने बालू को बताया कि सलमान के कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मिलते ही बालू सुहेल खान को लेकर घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन उसने सलमान खान को वहां नहीं देखा। चार लोग गाड़ी के नीचे घायल पड़े थे। इन गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। पुलिस कल नए गवाहों को कोर्ट में पेश कर सकती है। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस वक्त सलमान खान काफी परेशान नजर आ रहे थे। जिस तरह एक के बाद एक गवाह सलमान खान को कोर्ट में पहचान रहे हैं, उसने इस केस में लोगों का इंटरेस्ट एक बार फिर जगा दिया है। सलमान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।